मैं जानता हूं कि आप सबको हॉरर मूवीज देखना और हॉरर स्टोरीज सुनना कितना पसंद है, पर कुछ कहानियां और मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मूवीज या फिर ये कहानियां हमें सच्ची लगती हैं, पर ऐसा यूं ही नहीं होता, क्योंकि इन कहानियों और मूवीज के पीछे अक्सर कुछ अनसुलझे राज होते हैं। और आज हम 5 ऐसी ही डरावनी या फिर ये कहें कि ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे की कहानी डराने वाली है। नंबर 5, डार्क वाटर। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। कई लोग अपनी नेचुरल मौत मरते हैं, वहीं कई किसी एक्सीडेंट में, और कुछ बदकिस्मत लोगों को मार दिया जाता है, कभी पैसे के लिए, कभी बदला पूरा करने के लिए, और कभी बस यूं ही। अलिसा लैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2013 में अलिसा लैम एलए के सीसिल होटल में रुकी हुई थी। इस 21 साल की स्टूडेंट के लापता होने की खबर पहले ही चारों तरफ फैली हुई थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, पर अलिसा के लापता होने के 2 हफ्ते बाद उसकी लाश होटल के पानी के टैंक में मिली थी। पुलिस ने यह कहा कि अलिसा की मौत एक एक्सीडेंट था, वो किसी तरह पानी के टैंक में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हुई। पर जिन हालात में ये मौत हुई थी वो कुछ और ही बता रहे थे। अलिसा के लापता होने के बाद एलए पुलिस डिपार्टमेंट ने जब सीसीटीवी फुटेज एक्सेस की तो उसमें अलिसा का बर्ताव बड़ा ही अजीब सा था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अलिसा किसी से बात कर रही है, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस फुटेज में अलिसा कई बार एलिवेटर से अंदर बाहर जाती है, ऐसा लगता है कि वो किसी से छुप रही थी। इंटरनेट पर अलिसा की मौत के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कोई इसे एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट बताता है और कोई एलियन अबडक्शन। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अलिसा ने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स लिए हुए थे, पर इस एक्सीडेंट का डार्क वाटर नाम की इस मूवी से जो रिश्ता है, असली डराने वाली बात तो वो है। 2005 में आई इस मूवी में मेन एक्ट्रेस थी जेनिफर कॉनेली। ये मूवी 2002 की एक जापानीज मूवी डार्क वाटर का ऑफिशियल रीमेक थी। खैर, इस मूवी में जेनिफर कॉनेली ने एक माँ का रोल प्ले किया है जो अपनी बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। इसमें ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी छत से टपकते एक काले रंग के लिक्विड से काफी परेशान थे। उन्हें जल्दी ही पता चला कि उनके ऊपर वाले फ्लैट में काफी पानी भरा हुआ है। जो लोग वहां रहते थे वो किसी को बिना बताए ही फ्लैट खाली करके कहीं चले गए। जब जेनिफर कॉनेली इस अपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे एक बच्ची की लाश मिलती है जो कि इसी अपार्टमेंट में रहती थी। उस बच्ची को उसके माता पिता इस अपार्टमेंट में छोड़ गए थे और वो बच्ची गलती से उस बिल्डिंग के वाटर टैंक में गिर गई थी। इस मूवी में वो बच्ची अब उसी बिल्डिंग में भूत बनकर घूमती है और वहां रहने वाले लोगों को परेशान करती है। ये भले ही बस एक फिक्शनल मूवी थी, पर इसमें और अलिसा लैम के केस में काफी सिमिलैरिटीज थी। सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज तो ये थी कि इस मूवी में जेनिफर कॉनेली की बेटी का नाम सिसिलिया था और अलिसा लैम जिस होटल में मरी पाई गई थी उसका नाम भी सीसिल होटल था। इसके साथ ही मूवीज में कई जगह ये दिखाया गया था कि एलिवेटर के बटन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और कुछ इसी तरह का दृश्य हमें होटल की सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिलता है। एक और सिमिलैरिटी, मूवी में सिसिलिया नाम की वो बच्ची एक लाल जैकेट पहने दिखती है और अलिसा ने भी अपने आखिरी वक्त में वैसी ही लाल जैकेट पहनी हुई थी। ये सब बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर इस मूवी और अलिसा के केस में सिमिलैरिटीज कुछ ज्यादा ही है। नंबर 4, पोल्टरगाइस्ट। वैसे तो 70s और 80s को हॉलीवुड का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हॉलीवुड ने शायद आज तक की बेस्ट मूवीज प्रोड्यूस की थी, और ये बात हॉरर मूवीज के लिए भी उतनी ही सही है। उस जमाने की हॉरर और स्लैशर मूवीज जैसे कि फ्राइडे द 13th और हैलोवीन आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं, बल्कि कई मूवीज के रीमेक्स और सीक्वल्स अब भी बन रहे हैं। पर एक मूवी है जिसे मैं पर्सनली काफी पसंद करता हूँ,
ये मूवी है पोल्टरगाइस्ट। कहते हैं कि इस मूवी के ऊपर एक श्राप है। ये मूवी 1982 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी। इस मूवी में एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है और जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने ऐसा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस सब का सबसे ज्यादा असर उनकी छोटी बेटी कैरोलिन पर हुआ था। इस सब का कारण था उनका वो घर, जो कि एक प्राचीन कब्रिस्तान पर बना हुआ था। शुरू शुरू में तो ये सब ऐसा था जिससे इस परिवार को कम से कम कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा था। पर एक दिन उनकी बेटी कैरोलिन गायब हो जाती है। उसके माता पिता ना चाहते हुए भी एक एग्जॉर्सिस्ट की हेल्प लेते हैं। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दैट मूवी। इट्स अ रियली गुड मूवी। एनीवेज, इस मूवी के साथ जो असल प्रॉब्लम थी वो इसके सेट्स पर थी, क्योंकि वहां कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि शायद किसी असली पोल्टरगाइस्ट द्वारा अंजाम दिए गए थे। इस मूवी फ्रेंचाइज को आज तक की सबसे कर्स्ड फ्रेंचाइजेस में से एक माना जाता है, और उसका कारण है इस मूवी में यूज किए गए कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और प्रॉप्स। एक सीन में जब कैरोलिन की माँ डियान एक पूल में गिर जाती है जो कि इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था, तो उस पूल में फेक नहीं बल्कि रियल ह्यूमन बोन्स का यूज किया गया था। एक्ट्रेस जो बेथ विलियम्स, जिन्होंने डायन का रोल प्ले किया था, उन्हें यह बात सीन पूरा होने तक पता नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि सीन के शूट होने के बाद ही इस मूवी पर एक श्राप सा लग गया था। 1982 में जब पोल्टरगाइस्ट रिलीज हुई थी, उसके लगभग एक साल के अंदर ही एक्ट्रेस डोमिनिक डन, जिन्होंने कैरोलिन की बड़ी बहन का रोल प्ले किया था, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। ये मर्डर उसके अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड ने किया था। डोमिनिक 5 दिन तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझती रही, पर वो बच नहीं पाई। पर इन मौतों का सिलसिला यहां नहीं रुका। इस मूवी के सीक्वल पोल्टरगाइस्ट 2 के एक कास्ट मेंबर की मौत स्टमक कैंसर से हुई। एक और बड़ा ही सॉलिड एक्टर जूलियन वेक, जिन्होंने इस मूवी में एक डरावने प्रीचर का रोल प्ले किया था, उनकी मौत तो इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही हो गई थी। इस सीरीज की अगली मूवी पोल्टरगाइस्ट 3 के एक एक्टर विल सैमसन, उनकी मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई। यहां तक कि पहली मूवी में जिस चाइल्ड एक्ट्रेस हैदर रोर्क, जिसने कैरोलिन का रोल प्ले किया था, उसकी भी मौत क्रॉन्स डिसीज से ट्रीटमेंट के वक्त हार्ट फेलियर से हुई थी। इस बच्ची की मौत के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब इस बच्ची की मौत हुई थी, तब तक पोल्टरगाइस्ट सीरीज की फाइनल मूवी पोल्टरगाइस्ट 3 रिलीज नहीं हुई थी। नंबर 3, अटुक। ये मूवी अटुक कोई हॉरर मूवी नहीं है, पर फिर भी इस मूवी को कर्स्ड समझा जाता है, क्योंकि इससे जुड़े कई लोगों की भी मौतें हुई थी। हॉलीवुड में इस मूवी को किलर मूवी के भी नाम से जाना जाता है। ये मूवी मॉर्डेकाई रिकलर की 1960 की नॉवेल द इनकम्पेरेबल अटुक पर बेस्ड है। 1977 में डायरेक्टर बोमन जेसुअर ने स्क्रीन प्ले राइटर टॉड कैरल को इस नॉवेल पर अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। हालांकि इस मूवी में कुछ चेंजेस जैसे कि लोकेशंस और सेटिंग किए गए थे, पर इससे ज्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस मूवी का प्लॉट कहीं से भी हॉरर या पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, पर यह मूवी फिलोसॉफिकल जरूर है। 1982 में टॉड कैरल ने मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट की और अपने ही एक एक्टर और कॉमेडियन दोस्त जॉन बेलुची को मूवी में अटुक का लीड रोल प्ले करने के लिए कहा। बेलुची ने इस रोल को करने के लिए हाँ कह दिया और मूवी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। पर यह प्रोडक्शन जितनी जल्दी शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी रुक भी गया, क्योंकि बेलुची अपने होटल रूम में मरे पाए गए थे। बेलुची की उम्र केवल 33 साल थी, यानी मुझसे भी कम, और उनकी मौत कोकेन और हेरोइन ओवरडोज से हुई थी। इसके बाद एक और एक्टर सैम केनसन को इस मूवी में लीड रोल करने के लिए अप्रोच किया गया था। 1988 में इस मूवी का प्रोडक्शन दोबारा शुरू हुआ, पर वो फिर से कुछ क्रिएटिव इश्यूज की वजह से रुक गया। 1992 में फिर से काफी रीशेड्यूलिंग और प्लानिंग के बाद प्रोडक्शन रीस्टार्ट किया गया, पर कुछ ही महीनों में ये फिर से रुक गया। इस मूवी के लीड एक्टर सैम केनसन एक कॉमेडी शो के लिए अपनी कार से कहीं जा रहे थे और उनकी कार एक दूसरी कार से बिल्कुल आमने सामने से टकरा गई। ये एक 17 साल का लड़का था जो कि नशे में कार चला रहा था।
इस क्रैश में सैम की जान उस वक्त बच गई थी और उनके चेहरे पर माइनर ब्रूजेज ही आए थे। वो किसी तरह अपनी गाड़ी से बाहर निकले और सड़क के किनारे बैठ गए, पर उन्हें पता नहीं चला था कि उन्हें कई इंटरनल इंजरीज हुई थी और कुछ ही देर में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत वहीं पर हो गई। इसके बाद 1993 में इस मूवी की स्क्रिप्ट एक और कॉमेडी एक्टर जॉन कैंडी तक पहुंची, पर कुछ ही महीनों बाद जॉन भी अपने होटल रूम में मरे पाए गए। उनकी मौत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई, पर डॉक्टर्स ने यह कंक्लूड किया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। पर इस मूवी पर चढ़े श्राप का शिकार सिर्फ इसके लीड एक्टर्स ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन से जुड़े बाकी लोग भी हुए थे। स्क्रीन राइटर माइकल डोनाह्यू की मौत ब्रेन हैमरेज से जॉन कैंडी की मौत के ठीक 8 महीने बाद हुई थी। अफवाहों के हिसाब से माइकल ने इस मूवी की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से कैंडी को दी थी। अब तक साल 1996 आ चुका था, पर प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को बंद करने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद इस मूवी ने अपना अगला शिकार ढूंढा, जो थे क्रिस फार्ली। क्रिस फार्ली एक पॉपुलर कॉमेडी एक्टर थे जो कि मेरे भी पर्सनल फेवरेट हैं। दरअसल क्रिस फार्ली जॉन बेलुची के फैन थे और उन्होंने खुद ही ये मूवी करने की इच्छा जताई थी। 1997 में क्रिस फार्ली की मौत भी अपने होटल रूम में शराब के नशे में हुई थी और जॉन बेलुची की तरह ही क्रिस फार्ली की उम्र मौत के वक्त केवल 33 साल थी। फिल हॉलमैन जो कि क्रिस के दोस्त थे, उनकी भी किस्मत शायद ऐसी ही थी क्योंकि उन्हें भी इस मूवी में एक रोल दिया गया था। 1998 में फिल की हत्या उनकी बीवी ने सोते वक्त कर दी थी। इस मूवी को प्री प्रोडक्शन में अब 15 साल से भी ज्यादा हो गए थे और हर बार इसने अपने लीड एक्टर और किसी न किसी को एक्टर की बलि ले ली थी। अटुक मूवी आज भी इनकम्प्लीट है और सारे प्रोडक्शन हाउसेस, एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स इससे जितना हो सके दूर ही रहते हैं। यहां तक कि अटुक की स्क्रिप्ट आज भी सिर्फ पेपर का एक बंडल ही है, इसका कोई डिजिटल प्रिंट नहीं बनाया गया है। अगर इतना जानने के बाद भी आपकी पीठ में अब तक सरसराहट नहीं दौड़ी तो मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं। नंबर 2, 3 Men and a Baby। ये मूवी आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखी होगी और अगर नहीं तो आपने अक्षय कुमार की हे बेबी और ऐसी ही एक और जैकी चैन की मूवी तो जरूर देखी होगी। हाउएवर, दिस इज द ओरिजिनल मूवी जिसके रीमेक्स और कॉपीकैट मूवीज कई अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हैं और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये भी कोई हॉरर मूवी नहीं है। टॉम सेलेक, स्टीव गुटेनबर्ग और टेड डैनसन इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स हैं। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और उसके बाद इसका एक सीक्वल 3 Men and a Lady भी आया था, पर इस मूवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था या फिर ये कह ले कि कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हुई थीं जिनसे इस मूवी के साथ एक अर्बन लेजेंड एसोसिएट हो गया। उस वक्त लोकल मैगजीन और फैन सर्कल्स में कुछ अफवाहों ने जोर पकड़ा कि इस मूवी ने गलती से एक हॉन्टिंग को कैमरे में कैप्चर कर लिया था। इस सीरीज की पहली मूवी में लगभग 1 घंटे के आसपास एक सीन है जिसमें कैरेक्टर जैक, जो कि डैंसन ने प्ले किया था, वो घर में अपनी माँ के साथ घूम रहा होता है जिनके हाथों में ये छोटा बच्चा भी था, और उस सीन में यूजर्स ने स्क्रीन के बाईं तरफ कुछ नोटिस किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन तीनों कैरेक्टर्स के पीछे दरवाजे में या फिर खिड़की की झर्री में कोई खड़ा दिखाई देता है। ये जो भी था वो एक लड़के जैसा था और पर्दे के बीच से झांकता हुआ मालूम पड़ रहा था, पर इसमें डराने वाली बात यह थी कि इस परछाई का चेहरा किसी को भी साफ साफ नजर नहीं आता। जैसे ही कुछ फैंस ने यह नोटिस किया, यह खबर आग की तरह फैली। जिस किसी के पास भी इस मूवी के VHS टेप्स थे, उन्होंने बार बार इस सीन को रीप्ले करके देखा और अपने आसपास के लोगों को भी दिखाया। पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स से यह पता चलता है कि यह घर जहां इस मूवी की शूटिंग की गई थी, वहां एक 9 साल के लड़के ने खुद को एक शॉटगन से शूट करके सुसाइड कर लिया था। उसके बाद इस घर के ओनर्स ने यह घर छोड़ दिया था। फैंस की माने तो दरवाजे के पीछे खड़ा ये लड़का वही है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर हॉन्टिंग को डीबंक करने के लिए आज तक कोई भी सॉलिड प्रूफ या रैशनल नहीं दे पाया है। नंबर 1, द कॉन्करर।
कुछ मूवीज किसी एक्टर का करियर बना और बिगाड़ देती हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स को बर्बाद कर देती हैं, पर ऐसी फिल्म्स कम ही होती हैं जो लोगों की जिंदगियां ही खत्म कर दें। द कॉन्करर, ये मूवी 1956 में चंगेज खान की लाइफ पर बनी थी और इसे बनाया था डिक पॉवेल ने। ये मूवी उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से थी और इसमें मेन चंगेज खान का रोल प्ले किया था सुपर फेमस जॉन वेन ने। इस कास्टिंग को कई लोगों ने गलत माना था, जिनमें से मैं भी एक हूँ, पर जॉन वेन को इस मूवी में लेने की सबसे बड़ी वजह था उनका स्टारडम, बिकॉज ही हैड द एबिलिटी टू पुल द क्राउड टू थिएटर्स, और ऐसा हुआ भी था। ये मूवी एक बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनी थी। एनीवेज, जो प्रॉब्लम इस मूवी के साथ एसोसिएटेड है वो इसकी गलत कास्टिंग नहीं है, बल्कि वो लोकेशन है जहां इसकी शूटिंग की गई थी। आर्काइव्स के मुताबिक इस मूवी की शूटिंग अस्कालांते नाम के एक डेजर्ट में की गई थी, जो कि अमेरिका के यूटा में है। मेकर्स ने ऐसा शायद इसे मंगोलिया और रशिया के आसपास की लोकेशन से सिमिलर दिखाने के लिए किया था। जहां इस मूवी की शूटिंग की गई थी वो एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट से सिर्फ 100 माइल दूर थी। ये वो जगह थी जहां उस वक्त तक 10 से भी ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए गए थे, और ये इलाका और इनफैक्ट इसके आसपास का रीजन भी हाईली रेडियो एक्टिव बन चुका था। पर सरप्राइजिंगली US गवर्नमेंट ने इस मूवी के मेकर्स को एंश्योर किया कि वो एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के पास शूटिंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट वहां जितने दिन चाहें रुक भी सकते हैं। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी का क्रू, जिसमें टोटल 220 लोग थे, उनमें से 90 को कैंसर हो गया, जिसमें से 21 की मौत भी हो गई। इन 21 लोगों में मूवी के डायरेक्टर, कुछ कोवर्कर्स और एक्टर्स भी थे। रेडियो एक्टिव एक्सपर्ट्स ने इन मौतों का जिम्मेदार उस 160 मील दूर मौजूद न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को ही ठहराया। इस मूवी का प्रोडक्शन एक बिलियनेयर हॉवर्ड ह्यूज जूनियर ने किया था, और इन डेथ्स के बाद उन्होंने इस मूवी की सारी रोल फिल्म्स और कॉपीज को खरीद लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये कॉपीज किसी भी तरह से ओपन एनवायरमेंट में जाएं और रेडिएशन की वजह से किसी और की जान जाए। हॉवर्ड की मौत के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी के पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए, पर उन्होंने भी किसी तरह की पब्लिक स्क्रीनिंग करने से साफ मना कर दिया। इस मूवी के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, पर कुछ इंसानी गलतियों और लापरवाही की वजह से इस मूवी ने 21 लोगों की जान ले ली थी और कईयों को जिंदगी भर की बीमारियां भी दे दी थी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट सेक्शन में हमें नेक्स्ट वीडियोज के सजेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।